हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी की समरी डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है द ब्लैक कैट। इस शॉर्ट स्टोरी को एक अमेरिकन राइटर ने लिखा था जिसका नाम है एडगर एलन पो। ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी अगस्त 1843 में। ये एक गॉथिक फिक्शन है, यानी कि एक हॉरर स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस हॉरर स्टोरी को। तो स्टोरी शुरू होती है, जो नैरेटर है हमारे, नैरेटर यानी कि जो इस स्टोरी को बता रहा है, वो कहते हैं कि कल मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे आज इस पूरी दुनिया को बताना है कि मेरे साथ क्या हुआ था, ताकि मेरे दिल का जो बोझ है वो कुछ हल्का हो सके। वो कहते हैं कि सुनो और ये जानो कि मेरी लाइफ कैसे बर्बाद हुई। तो नैरेटर बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर एक नेचुरल गुडनेस थी कि मुझे जानवरों से बहुत प्यार था, हर तरह के जानवर, लेकिन स्पेशली वैसे जानवर जो कि पालतू जानवर होते थे, वैसे जानवर जो इंसानों के साथ एक ही घर में रहा करते थे। जानवरों के प्यार में कुछ तो ऐसी बात होती है जिससे वो इंसानों के दिल से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं। इंसान जिन्हें पता होता है कि जो दूसरे इंसान, मतलब कि दूसरे आदमी का प्यार होता है, वो कितना टाइम के साथ चेंज होते रहता है, कितना, मतलब वो विश्वास के लायक नहीं होता उतना जितना जानवरों का प्यार होता है। आगे नैरेटर बताते हैं कि जब मैं छोटा था तभी मेरी शादी हो गई, और आप लोग मेरी खुशी तो समझ ही सकते होंगे जब मुझे पता चला कि मेरी वाइफ को भी एनिमल्स बहुत पसंद थे, और जल्द ही वो हमारे लिए ढेर सारे पालतू जानवर ले आई। हमारे पास कुछ चिड़िया थी, कुछ गोल्ड फिश थी, एक अच्छा डॉग था और एक कैट थी। वो कैट बहुत खूबसूरत थी और अपने जो नॉर्मल कैट की साइज़ होती है उससे थोड़ी बड़ी थी और पूरी काली थी। मैंने उसका नाम प्लूटो रखा था और सारे पेट्स में से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी वो कैट। मैं खुद ही उस कैट को खाना वाना खिलाता था और वो दिन भर मेरे चारों ओर घूमते रहती थी। कभी कभी मुझे परेशानी भी होती थी, जब मैं बाहर जाता था तो वो कैट मेरे पीछे पीछे आने लगती थी। हमारी दोस्ती, मतलब मेरी और उस कैट की दोस्ती, इसी तरह कुछ सालों तक चली, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा खुद का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा और धीरे धीरे जो मेरा लविंग नेचर था वो भी खत्म होने लगा। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आने लगा और हंसना और खुश रहना तो जैसे मैं भूल ही गया था। मेरी वाइफ और उस कैट को छोड़ के मैंने बाकी सारे पेट्स ने मेरे बदले बिहेवियर को महसूस किया। एक रात मैं शराब पीकर काफ़ी लेट घर जा रहा था। धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ मैं जैसे तैसे घर पहुंचा। जैसे ही मैं घर के अंदर गया तो मुझे लगा कि मैंने प्लूटो को देखा और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, वो मुझसे दूर जा रही है। प्लूटो के इस एक्शन ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो कैट मुझे अभी भी उतना ही प्यार करती है। मेरा गुस्सा एकदम मेरे सर पे चढ़ गया था। मैंने अपने कोट में से एक चाकू निकाला और उस बिल्ली को उसके गर्दन से पकड़ा और उसके आंख में वो चाकू डाल दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे वो कैट ठीक हो गई, लेकिन उसके आंख में जो मैंने मारा था वहाँ पे एक होल जैसा हो गया और वो देखने में एकदम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसका दर्द वगैरह एकदम ठीक हो गया। पर उस इंसिडेंट के बाद वो कैट मुझसे बहुत डर गई थी, इसलिए जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता वो एकदम भाग जाती, वो मुझसे बहुत डर गई थी। और ये बात से मुझे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। धीरे धीरे मेरे मन में एक अजीब सी फीलिंग डेवलप होने लगी उस कैट को ख़त्म करने की। और फिर एक दिन मैं उस कैट को बेसमेंट में ले गया, उसकी गर्दन को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और उस कैट को लटका दिया। मैं उसे तब तक लटकाए रहा जब तक वो मर नहीं गई। जब मैं उस कैट को लटका रहा था तो मेरी आंखों में आंसू भी थे। मेरे आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि मुझे पता था कि वो कैट मुझे कभी बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। उस कैट ने मुझे कोई रीज़न नहीं दिया था उसे मारने के लिए। वो मेरा एक पाप था, एक ऐसा पाप जो कि मेरे आत्मा को हमेशा के लिए दूर रखेगा भगवान के प्यार से। अब उस कैट को मारने के बाद मैं वहीं उस बेसमेंट में ही सो गया। उस कैट की बॉडी वहीं पर लटक रही थी। फिर अचानक से मेरी नींद खुली और मैंने अपनी पड़ोसियों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं उठा और मैंने देखा कि मेरे पूरे घर में आग लग गई थी। मैं और मेरी वाइफ बड़ी ही मुश्किलों के साथ उस घर से बाहर निकले और हम दोनों ने मेरे पूरे घर को जलते हुए देखा। फिर मैं उस कैट के बारे में सोचने लगा जिसकी बॉडी अभी भी हमारे घर के बेसमेंट में लटकी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि उस कैट ने ही बदला लेने के लिए मेरे पूरे घर को जला दिया है किसी मिस्टीरियस तरीके से। फिर धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए, लेकिन अभी भी वो कैट मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। और एक रात मैं एक होटल में हमेशा की तरह ड्रिंक कर रहा था तो मैंने उस होटल के कॉर्नर में कुछ काली सी चीज़ देखी। मैं उसके पास गया और मैंने देखा कि वो एक बिल्ली थी, एकदम प्लूटो की तरह ही वो बिल्ली थी। मैंने उसके बॉडी को सहलाया, उसे टच किया और वो एकदम खड़ी हो गई। मुझे अचानक से वो कैट चाहिए थी, मैं उस कैट को ख़रीदना चाहता था। मैंने उस होटल के मालिक से पूछा कि मुझे इस कैट को ख़रीदना है, कितने में बेचोगे? तो वो होटल के मालिक बोलने लगा कि मैंने इस कैट को तो कभी पहले देखा ही नहीं है।
फिर मैं उस होटल के बाहर आया तो वो कैट मुझे फॉलो करने लगी और मैंने भी उसे अलाउ किया मुझे फॉलो करने के लिए। और जब हम लोग घर पहुँचे तो मैंने और मेरी वाइफ ने उसे अपना पेट बना लिया। फिर अगली सुबह जब मैं और मेरी वाइफ उठे तो हम लोगों ने देखा कि उस कैट के भी प्लूटो की तरह एक आंख नहीं थी। ये काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए क्योंकि मैंने कैसे ये नोटिस नहीं किया पिछली रात कि उसकी एक आंख नहीं है। अब ये बात जानकर धीरे धीरे उस बिल्ली के लिए मेरे अंदर नफरत पैदा होने लगी, लेकिन मेरी वाइफ को वो बिल्ली बहुत पसंद थी इसलिए हम लोगों ने उसे रख लिया अपने घर पर। अब जितना ही मैं उस कैट से नफरत करता था उतना ही वो कैट मुझसे प्यार करने लगी। मैं जहाँ जहाँ जाता वो मेरे पीछे पीछे चलती, मैं जब भी बैठता तो वो मेरे चेयर के नीचे आके बैठ जाती, जब मैं खड़े होता तो वो मेरे एकदम पैर पे आके चढ़ के खड़े हो जाती, मेरे पैरों के बीच में आ जाती जिससे मैं गिरते गिरते बचता। रात में मुझे उसके सपने भी आने लगते और मैं उससे एकदम नफरत करने लगा था। फिर एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे हमारे घर के बेसमेंट में बुलाया। हमारा घर जो कि एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जहाँ पे हम लोग अब रहते हैं हमारे उस घर के जलने के बाद, तो मैं उस बेसमेंट में जा रहा था, सीढ़ियों से उतर रहा था तो वो कैट मुझे हमेशा की तरह फॉलो करने लगी। फिर अचानक से वो कैट मेरे पैरों के नीचे आ गई और मैं एकदम गिरते गिरते बचा। मुझे अचानक से बहुत तेज़ गुस्सा आ गया, मैंने तुरंत चाकू निकाला और उस बिल्ली को जैसे ही मारने गया वैसे ही मेरी वाइफ आ गई और मेरा हाथ पकड़ लिया उसने। इससे मेरा गुस्सा और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया और मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ घुमाया और अपनी वाइफ के सीने में वो चाकू मार दिया। मेरी वाइफ बिना किसी आवाज़ के वहीं पर गिर गई और मर गई। फिर मैं उस कैट को ढूंढने लगा इधर उधर, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी। अब मुझे उस बॉडी के साथ कुछ करना था, उसे छुपाना था, वो भी जल्दी। फिर मैं जगह ढूंढने लगा अपनी वाइफ की बॉडी को छुपाने के लिए और फिर मैंने देखा कि एक वॉल है, एक मतलब हमारे पास एक पुराना फायरप्लेस था, उस फायरप्लेस की ज़रूरत नहीं थी तो हम लोग उसे ढकने के लिए एक वॉल लगवा दिए थे। वो वॉल उतना स्ट्रांग नहीं था तो मैं उस वॉल के पास गया और उसकी सारी ईंटें जो भी स्टोन्स वगैरह थे वो निकालने लगा, वो बहुत ईजिली निकल जा रही थी। और उसके बाद जब मैंने निकाल दिया तो देखा कि वहाँ पर एक होल था, उस होल में मैंने उस बॉडी को रखा और उसके बाद से सेम वैसे ही उस सारे पत्थर को अरेंज कर दिया। कोई भी ये देख के नहीं कह सकता था कि वो सारे पत्थर हटाए गए हैं और दोबारा से लगाए गए हैं। फिर धीरे धीरे दिन बीता लेकिन वो कैट दिखाई नहीं दी। लोग मेरी वाइफ के बारे में पूछने लगे लेकिन मैं लोगों को समझा देता था। और फिर एक दिन कुछ पुलिस वाले हमारे घर आए, मैंने उन पुलिस वालों को अंदर बुलाया और वो लोग मेरे पूरे घर की तलाशी लेने लगे, लेकिन उन्हें मिला तो कुछ भी नहीं। फिर वो लोग मेरे घर के बेसमेंट में गए और वहाँ पे तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और वो लोग सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे मेरे अंदर से अचानक से पता नहीं कैसे फीलिंग आई और मेरे में उसे निकाल दिया इस बिल्डिंग की दीवारें काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा घर है ये, मैंने कह दिया, कह के बात को संभाल लिया। लेकिन फिर अचानक से जहाँ पर मेरी वाइफ की बॉडी रखी हुई थी उस दीवार से अचानक से एक डरावनी सी आवाज़ आने लगी। वो पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे, फिर वो लोग एक एक करके उस पत्थर को हटाने लगे और उन्हें मेरी वाइफ की बॉडी मिल गई। वो बॉडी पूरी सड़ गई थी, एकदम ब्लैक, एकदम अजीब सा स्मेल आ रहा था, लेकिन उस बॉडी के सर के ऊपर थी एक बिल्ली, एक काली सी डरावनी बिल्ली, और उसकी आँख से फायर निकल रहा था, एक बदले की आग निकल रही थी। वही बिल्ली चिल्ला रही थी जैसे उसने अपना बदला ले लिया है, उस बिल्ली ने अपना बदला ले लिया है। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को आज की ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। जो कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। थैंक यू सो मच।